तो सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल में ई टेंडरिंग, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर बहस हुई, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खुलकर जवाब दिया। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी ये बहुत घर की हुई है नीचे तक, और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ काट करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं, और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती, एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना यह कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनकी पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के रहे वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था, इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी, मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया, और जब प्रस्ताव बन के आया तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जे ही करेगा वो करेगा, मेरी बात सुन, उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका, मेरी पूरी सुन लो, मैं बता रहा हूँ। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया अपना बी डी ओ साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बी डी ओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे 10 कसे डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो, इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है, पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास रखो।